क्या सवाल पूछ रहे हो आप यार, आप क्यों पूछ रहे हो? बेथू बेथू बोल के आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसे मत कर रहे हो। चलो See, I think it's a compliment. I think it's great. It's just सामने देखूँ मैं। हाँ सामने। अच्छा। और थोड़ा हिंदी में भी बोल दीजिएगा। ठीक है। अरे इंग्लिश में। इंग्लिश में। आप मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? मुझे आप क्या तो ये बात करें या तो मैं बात करूँ? हाँ। अल्कारियन लेकिन आप मुस्कुराइए मत है यहाँ पे ऐसे मुझे थोड़ा। ठीक है नहीं मैं बहुत खुश हूँ इट्स अ कॉम्प्लीमेंट और पहले तो मैं यू आर ऑल कमिंग अप फॉर द लायंस गोल्ड अवार्ड तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एनी काइंड ऑफ अप्रिसिएशन या तो एक लायंस गोल्ड अवार्ड हो या स्क्रीन अवार्ड या कोई भी अवार्ड या एक छोटी सी अवार्ड आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ अप्रिसिएशन जॉन आपके ऊपर लिटरली अवार्ड्स और एप्रिसिएशन की बरसात हो रही है एक तरफ एक वेबसाइट ने आपको नॉमिनेट किया सेक्सीएस्ट मैन वही अवार्ड मिल रहे हैं मुझे आपको गे आइकॉन भी बनाया गया तो आपको लग रहा है कि इट्स फाइनली इट्स योर टाइम जॉन हैज अराइव्ड नो नो आई टेल यू व्हाट जिस्म के टाइम से देयर हैज बीन अ सर्टेन प्रोजेक्शन और वो दोस्ताना के बाद शायद और स्ट्रॉन्ग हो गया है लेकिन मैंने अपने प्रोड्यूसर से कहा था करण से कहा था कि यू नो इज इट रियली जस्टिफाइड टू बी सीन इन दिस लाइट ऑल द टाइम एंड ही सेज यू नो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस सब लोग इसके लिए मरते हैं दे डाई फॉर दिस बिकॉज इट्स अ विजुअल मीडियम इफ यू हैव इट बाई गॉड्स ग्रेस बी थैंकफुल अबाउट इट Just choose the right films and you'll be on your way. So, मैं ये कहना चाहता हूँ कि that's a kind of an appreciation you receive in a certain department. And never be embarrassed about it. Be happy about everything. और मैं खुश हूँ. I'm very happy for being voted amongst whatever the top 10 sexiest men. You please don't smile. And also Jodi number one. So, I don't have a problem with it. I love it. I enjoy the space. आपके बारे में भी कुछ अखबारों में आया था कि आपने अंडरएज ड्राइवर्स को लेकर के एक कुछ प्रिकॉशनरी सजेशंस दिए थे उनको कि दे शुड नॉट ड्राइव ओवर तो लोग कह रहे हैं कि आप अपनी धूम में जो आपने किया था उसको कंपनसेट करते हुए आप ये चीज कह रहे हैं कि मैंने जो किया था रियल था ये रियल है कंपनसेट तो नहीं तो आप दोस्ताना के बाद आप बोलोगे कि ना आई हैव टू से समथिंग टू कंपनसेट यू नो आप उसको वहां से लेकर के क्या अपनी जिम्मेदारी लेते हैं कि आपने एक ट्रेंड लाया जी मैं यही समझता हूँ कि एनी फिल्म इज अ बिग इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर एक ऐसी पिक्चर थी धूम वन वॉज अ वेरी डीवीडी फिल्म इट विल स्टे विद एवरी चाइल्ड जब भी वो बोर होता होगा ही विल वॉच अ धूम वन तो आई थिंक वेरी फ्यू फिल्म्स हैव गॉट दैट रिपीट वैल्यू तो मैंने सोचा कि मेरा फर्ज बनता है कि ऑडियंस और हमारे यंगस्टर्स को यही बताओ कि और उनके पेरेंट्स को ये बोलूँ कि यू नीड टू कंट्रोल योर किड्स यू नीड टू टीच देम यू नीड टू हैव इनफ सिक्योरिटी इन योर सोसाइटीज वो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन आपको लेना पड़ेगा क्योंकि kids can take the keys aapko kabhi pata nahi chalega when you get out so you need that extra precaution to be taken special community ka big films ne apne haath ek tarah se kheench liye hain aashan ko leke wo keh rahe hain ki jitni commercial film unhone expect ki thi waisi ye nahi hai dekhne ke baad to aap kya kehna chahenge afsos ki baat hai kya bolungi no I kya bolungi what do you have to say about this I don't have to I don't pay attention to what anybody says except for the work I do No, only thing is because it was a Nagesh Kapoor film. Everyone right. was aware the kind of films Nagesh made. I think Asha is a great film. It's my best performance till date. अफसोस की बात ये है कि people would not have got to see a sensible film. I think Nagesh Kapoor makes very good films. He's a sensible filmmaker. और जितने सारे लोग हैं यहाँ पे, if you've seen Iqbal or you've seen Door, I think Asha is one film that gives you hope. So it's a beautiful film. अगर किसी फिल्म के फीलिंग्स के साथ अगर आप कंपेयर करो इट्स लाइक द इटालियन फिल्म लाइफ इज ब्यूटीफुल तो बहुत ही अच्छी फिल्म है एंड आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ब्लड एंड स्वेट ऑन दिस फिल्म सो आई जस्ट विश इट रिलीजेस क्योंकि आई हैव रियली वर्क्ड हार्ड एज एन एक्टर ऑन दिस फिल्म एंड आई वांट माय अप्रिसिएशन फॉर अ गुड फिल्म ग्लोबल रिसेशन के चलते ऐसे सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे स्टार्स जो हैं वो अपने प्राइसेस को कट कर रहे हैं फीस को कट कर रहे हैं क्या आपको ऐसा कुछ ऑफर हुआ कभी किसी ने कहा आपसे कहा अपनी प्राइस करेक्शन करने के लिए जी मैं प्रोड्यूसर्स को पैसे दे रहा हूं अभी जॉन वन लास्ट क्वेश्चन आपने मैंने आपकी कहीं क्लिप देखी थी आपने कहा था कि एक स्पेशल कम्युनिटी जी
उसका ब्रांड एंबेसडर आपको कहा जा रहा है तो आपको अच्छा लग रहा है। वो अब क्या किसकी बात कर रहे हो? खुश कम्युनिटी। हां गे कम्युनिटी। हां आपको ब्रांड एंबेसडर कहा जा रहा है सो कॉल्ड, तो आपने कहा था कि अच्छा लग रहा है, सेंस क्या था वो कहने का? आई फील वेरी गुड, आई फील वेरी प्राउड। अगर आप किसी को रिप्रेजेंट करो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आई डोंट थिंक वी शुड लुक एट एनीबॉडीज पर्सनल प्रेफरेंसेस और चॉइसेस एंड लुक डाउन अपॉन इट। जैसे you know, so I just think it's a very respectable and honorable thing. There's nothing wrong with it. मैं बहुत ही honored हूँ। John, आप एक आपकी mother एक social worker हैं। जी। तो उसमें आया था कि आप अपनी mom के साथ एक hospital या एक charity खोलने वाले हैं। उसके बारे में कुछ बताएं। नहीं, journalist ने पूछा और मैंने यही कहा कि एक दिन अगर पैसे मिले, if I have enough money, if I am really successful one day, क्योंकि एक मुकाम तक पहुँचूँ, then I would definitely like to do something to treat children suffering from cancer, mm-hmm. because that is closest to my heart. Because mom har roz jaake unko khilati hai, mm-hmm. then she goes to home for the aged, then she feeds stray dogs, so she does a lot of work. I just act, but I try and channelize my monies through my mother. I am very proud to be an Indian, and we only feel so much more pride after the 26/11 attacks, and I hope you all channelize your anger and energies into making India a beautiful place. Jai Hind. Thank you. Thank you. Thank you.